हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को इजी तरीके से याद करना सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स किए थे। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है, आप जाइए और उससे पहले याद कीजिए, उसके बाद इस पर आएंगे। इम्पोर्टेंट है, हमको पता है अगर हमें ऑर्गेनिक अच्छी करनी है, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हमें अच्छी करनी है, अगर आप 11th क्लास में हैं, 12th में हैं या कॉम्पिटिशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट हो या जेई, सब में आपको इनऑर्गेनिक के लिए अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, इनऑर्गेनिक अच्छी करनी है, तो क्या अच्छा होना चाहिए, पीरियडिक टेबल। तो हमने एस और पी ब्लॉक ऑलरेडी कर लिया है कम्प्लीट, जिन लोगों ने नहीं किया है वो उसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने बहुत सही वे में याद करने की कोशिश की थी। आई होप जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है उनको अभी तक एसओपी ब्लॉक याद हो भी गया होगा, तो आप इसी वीडियो को भी अच्छे से देखिए और डी ब्लॉक याद करने की कोशिश करिए मेरे साथ ही, ये भी बहुत इजी मैनर में होगा। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज, जब हमने एसओपी ब्लॉक पढ़ा था तो हमने उन्हें ग्रुप वाइज याद किया था, ठीक है। जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो हम उन्हें पीरियड वाइज याद करेंगे। हमको पता है ना ग्रुप्स होते हैं और पीरियड्स होते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल में, तो एस और पी हम कैसे याद करते हैं, ग्रुप वाइज, वेयर एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम कैसे याद कर सकते हैं, पीरियड वाइज ही करते हैं जनरली, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये भी फनी तरीके से ही होगा। फनी क्यों, क्योंकि हमको फनी चीजें ही याद रहती हैं और ये जरूर आपको याद रहेंगी हमेशा, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे आपको ये ट्रिक अपने आप याद आ जाएंगी अगर आप अच्छे से दो तीन बार प्रैक्टिस करते हैं लिखकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अच्छा डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं जनरली, पूरे डी ब्लॉक का क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसको हम कैसे याद करेंगे, पीरियड में याद करेंगे, ओके। सो वी आर स्टार्टिंग विथ 3D सीरीज, 3D सीरीज, सॉरी फर्स्ट आई एम राइटिंग डाउन द एलिमेंट्स, उसके बाद हम शॉर्टर डिस्कस करेंगे। स्किन और स्कूटर तांगे वाले क्यों माने फिर कोई निकला कोटा जाने। शॉर्टर लिख लेते हैं पहले, स्कूटर तांगे वाले क्यों माने फिर कोई निकला क्यूबा जाने, ठीक है। स्कूटर टांगे वाले क्यों माने फिर कोई निकला क्यूबा जाने। सीयू से आप क्यूबा लिख सकते हैं, कोटा लिख सकते हैं, कलकत्ता लिख सकते हैं, जो भी राइमिंग सेट हो बस वो लिखना है और याद करना है और रिटेन रखना, ठीक है। सो अब एलिमेंट बता देती हूँ मैं एक बार सारे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी हम शॉर्ट ट्रिक लर्न करें तो क्या करें, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ तो एलिमेंट का नाम भी आप लिख लीजिए, ताकि जब आप शॉर्ट ट्रिक याद करेंगे तभी आप अवेयर होंगे। सिंबल्स याद होने से कुछ नहीं होगा अगर आपको सिंबल का नाम ही नहीं पता तो, है ना, तो आपको नाम भी पता होना चाहिए। राइट डाउन द नेम्स, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक, क्लियर है। 3D सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू आर इन क्लास 11th, 12th और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन, हमको पता है ना कि जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 30, और अगर आप 11th क्लास तक आ गए हैं तो आपको 30 तक के एटॉमिक नंबर तो याद होना ही चाहिए, बहुत सारे रिएक्शन में यूज होते हैं, तो अल्टीमेटली ये बहुत बार यूज होगी, इसलिए मैं कह रही हूँ 3D1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे तो एटॉमिक नंबर के साथ लिख लिख कर याद कर लीजिए आप, 30 तक बहुत यूज आना है इसका, ठीक है। नेक्स्ट इज 4D सीरीज, अगेन मुझे बताना है क्या 4D सीरीज, 4D क्यों है, क्योंकि 4D सीरीज के सारे एलिमेंट्स का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे
तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर फिल होगा? 4d सबशेल में. That is the reason this will this is called as 4d series. लिखते हैं हम यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटे राह पड़े अगर कोई. ओके यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटे राह पड़े अगर कोई. ठीक है, सो ये पूरी सीरीज के लिए हो गई शॉर्ट ट्रिक. ठीक है, नेम्स देख लेते हैं हम. वाई एज इन येट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम. ठीक है, एक बार और बोल रही हूं मैं, येट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड ऑडी. आई थिंक ये तो पता है सबको, सिल्वर तो हमने यूज किया है बहुत बार. ठीक है, डेली लाइफ में भी तो यूज करते हैं, सिंबल तो पता ही होना चाहिए आपको. लास्ट वन इज सॉरी 5d सीरीज. 5d सीरीज क्यों बोलते हैं? सब लोग आंसर कर पा रहे हैं ना, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट शेल में जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 5d सब ऑर्बिटल में आएगा. तो आप प्रैक्टिस करिए, बार बार लिखिए. फिर से मैं कह रही हूँ शॉर्ट ट्रिक, उसके साथ एलिमेंट, उसके साथ एलिमेंट का नाम. क्लियर? एलिमेंट इज दिस. ठीक है, एक्चुअली ये यहाँ पर नहीं आता है डी ब्लॉक में. ये एफ ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंथियम. बट ये यहीं पर शिफ्टेड है, लिखा हुआ है पीरियड टेबल में, हम इसलिए इसको एज इट इज यूज कर रहे हैं. एक्चुअली हमें से 57 एटॉमिक नंबर से 71 क्या है, ये लेंथियम सीरीज है जो हम एफ ब्लॉक की फर्स्ट सीरीज हम एफ ब्लॉक में याद करेंगे. बट ये एक्चुअली ऐसे ही लिखा होता है, इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को, मैंने यहीं पर लिखा. नेक्स्ट एलिमेंट इज हाफनियम. ला हफ ता, ला हफ ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी. इसको लिखते हैं ला सॉरी हफ ता वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी. ठीक है, सो ये तो फिर से मैंने बता दिया, यहाँ पे यूज नहीं करना है हमको, कहाँ पर याद करना है, लेंथियम सीरीज में. हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो शॉर्ट ट्रिक तो आपने लिख ली है, मैं एलिमेंट्स के नेम बता देती हूँ. दिस हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्करी. ठीक है, तो आप लिखिए शॉर्ट ट्रिक, एटम का सिंबल रिप्रेजेंटेशन लिखिए और उसके साथ नाम भी लिखिए. मैं बार बार बोल रही हूँ, वो अच्छे क्या करते हैं, जनरली ये याद कर दी शॉर्ट ट्रिक, सिंबल याद कर लिया, फिर पता चला आया क्वेश्चन में गलती से नाम वाम लिखा है, कहीं और कुछ नाम लिखा है, हमें पता ही नहीं है. मतलब सबको हमें क्या पता होता है, सिर्फ सिंबल पता होता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम साथ में ही सारा याद करें. ठीक है, सो हियर वी एंड दिस डी ब्लॉक एलिमेंट्स. आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होगा. अगेन सेम एडवाइस, राइट डाउन, लिख लिखकर याद करिए, बहुत इजीली याद हो जाएगा. ऑलरेडी हमने SOP पढ़ लिया है, DB कंप्लीट हो गया है, श्योरली हम बहुत जल्दी एफ ब्लॉक आपको देंगे, तो आप एफ भी याद कर लीजिएगा और इस तरीके से हम पूरी पीरियडिक टेबल कंप्लीट कर लेंगे. आई होप आपको सब चीजें समझ में आ रही है. अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, यू आर फ्री टू टेल अस. आप कैसे बता सकते हैं हमें, थ्रू योर कमेंट्स. प्लीज डू कमेंट अस, हम जरूर आपको रिप्लाई करेंगे. एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन.
Thanks a lot for watching this video. Thank you.